दो तीन काम में छोटा सा हो गया 800 रियाल तकरीबन हो जाएगा, यानी 16,000 इंडिया का हो जाएगा अपने, 16-17 हज़ार। इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ अपनी कार की रिपेयरिंग। थोड़ा सा मेरी गाड़ी में काम है, मैं 2 रोज़ पहले गया था मैकेनिक के पास, वहाँ मैंने दिखाई थी तो वो बोल रहे थे 2 चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेगी, एक है फाइन बेल्ट और दूसरा है शद्दाद। शद्दाद मैं ये अरबी लफ्ज़ बता रहा हूँ क्योंकि मुझे खुद मालूम नहीं उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भूल गए इतने दिन से यहाँ रहते रहते। खैर उसका काम है ऐसे फाइन बेल्ट को ना ऐसे प्रेस करके, तो उसके अंदर कुछ है जो आवाज़ आती कहते हैं ऐसा है, ठीक है, तो वो चेंज कराएंगे। और चलता हूँ इस बार नई वर्कशॉप पर, जो पहले वीडियो मैंने बनाई हुई है ना उस वर्कशॉप पे नहीं, ठीक है। देख रहे हैं ये राइट में हैयल अजवाद है, यूटर्न करेंगे हैयल मीनार हैयल सामने, और रास्ते की बात करें तो ये है शारे अजवाद जो यास्मीन माल के सामने पास से ही आता है, ये ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं बहुत छोटा सा। यहाँ पे ये राइट साइड देख रहे हैं सब इलेक्ट्रीशियन की दुकान है, कारवाई और बाइक की ज़्यादातर सब कारवाई की। कार डेंटिंग वाले की उसमें मैंने ये सब दिखाया था आपको। ये राइट साइड में एक शुभ्रा की ब्रांच है, ये मशहूर है कपड़े के लिए, ठीक है, रेडीमेड कपड़ा इसमें रहता है, और इसकी कई ब्रांच है जिद्दा में। तो यहाँ पे ये एरिया भी नया नया है, आउटसाइड में है, इसीलिए यहाँ पे छोटी सी ब्रांच है इसकी। और हम लोग पहुँच गए हैं, ये देखिए गाड़ी गैराज है इधर सब, और ये है ख़ास मखसूस लेक्सस के लिए, ये देखिए मरकज सारा लसियाना सैरात, और ये क्या है इंजाज फौरी लसियाना सैरात। मैं चलूँगा ये इंजाज में, ठीक है। इधर ये आ गए हम इंजाज में और यहीं पे रिपेयरिंग कराएंगे हम, ठीक है। और कल मैं आया था, ये साहब जो है ना ज़ईफ़ जो बात कर रहे हैं ना, ये मैकेनिक है, इन्होंने चेक किया था, तो कल मैंने रिपेयरिंग कराई नहीं थी, तो आज इंशाल्लाह भी कराएंगे। तो वहाँ पहुँच कर सबसे पहला जो मेरा काम था वो था उन्हें स्पेयर पार्ट्स ला के देना जो उन्होंने पहले बताया था। तो सामने सब भी स्पेयर पार्ट की दुकान थी, तो चलिए दिखाता हूँ क्या चीज़ मैंने ख़रीदा और कितने में ख़रीदा। ये है स्पेयर पार्ट की दुकान, और ये जजीरा शिरकत अल जजीरा करके जो छोटी सी है, ये गतागार फोर्ट लिखा हुआ है ना, इस पर चल के लेंगे। कम जैसे ये दी हदा कम मियाँ वाही सत्तीन शुक्रिया। 210 रियाल का मैंने ख़रीदा है, इसी में आवाज़ आती थी जब भी गाड़ी स्टार्ट करते थे तो शुरू ज़्यादा आती थी, या मुकैफ स्टार्ट करते थे एसी तब ज़्यादा होती थी। चलेंगे लिफ्टर 1 पे लगाएंगे, और ये है गैरेज। अभी ओपन कर रहा हूँ, मैंने सोचा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 400-450 में काम हो जाएगा, पर एक काम और निकल गया है। अभी जब उसे चेंज किए वो, तो देख रहे हैं कंप्रेसर जो होता है एसी का, उसकी बैरिंग से आवाज़ आ रही है। अब बोल रहे हैं बैरिंग भी चेंज करना पड़ेगा, बैरिंग तो कह रहे हैं 50 रियाल की, पर उसका रिपेयर चार्ज कह रहे हैं मुझे 500 चाहिए। किस लिए 500 चाहिए, बोल रहे हैं कि ये फोर्ड गाड़ी है, बड़ी परेशानी होती है उसको निकालने में, और दूसरी गैस निकल जाएगी एसी की, फिर से वापस डालनी पड़ेगी। बहरहाल मैंने कई बार कहा कि और कम कीजिए, तो तैयार नहीं है। अच्छा वो जो पहले 2 काम था उसके लिए तो मैंने इत्तेफाक कर लिया था, अब ये जो नया काम निकल गया पैसा भी ज़्यादा हो गया था, यानी तकरीबन उनको 700 रियाल सिर्फ रिपेयर के चाहिए था और था, तो इसके लिए मुझे फिर से उनके साथ इत्तेफाक करना पड़ा। अब उनको लिखित में मुझे साइन करके देना, तो चलिए दिखाता हूँ। तरकीब
शद्दाद, शेर शेर तरकीब, शेर मकीना, तरतान, तगीर, रुमान, कंप्रेसर, 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 ايوه مع تعبئة فريون. مع تعبئة فريون. ايوه. كويس؟ ايوه. طيب كله 700. ايوه. 700 ريال. 700 ريال. طيب. ان شاء الله ما يصير زيادة كمان. ان شاء الله ما يصير زيادة بإذن الله. بإذن الله. 200 كم كان هذا؟ 500 ها؟ كل يوم اسمك عباس؟ ايوه كل يوم ما يغير هذا. طيب الحمد لله. تفضل هنا. هذا خلاص انا خلاص خلاص هذا كفي كفي خلاص شكرا عفوا بہت مہنگا ہے لینا 2200 ریال کا ہے نا جی جی 2200 ریال ہم کو سب پتہ ہے وہ ایسے گرا کیا इसके अंदर है भाई नहीं नहीं वो अंदर है ना वो उसके अंदर है यही बताया होगा ना ये पठान की बैरिंग खराब है हाँ 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 वो पठान ही बताया बैरिंग खराब है खराब हो गया हार्ड हो गया लाख हार्ड नहीं लूजर अब छुट्टी खाली है ना अब देख रहे हैं ये बैरिंग मुझे लेनी थी और इस दुकान पे मिली नहीं अभी जाना होगा उधर लास्ट कॉर्नर पर राइट में पैदल चलना होगा धूप में बहुत खमसी है शुक्रिया ये देख रहे हैं अल्लाहदी लवाजम अलसैरात ये है शारे अजवाद वाले रोड पे मुस्तफ़ा ये है ना ये बिल्डिंग सामरिया के पास ही में यहाँ पे मिली बैरिंग और बहुत सी चीज़ें हैं गाड़ियों की यहाँ पे तो ये बैरिंग के चक्कर में ना पैदल चल चल के मुझे लग गई थी भूख वरना मैं डिटेल से दिखाता आपको पर भूख लगने की वजह से ना मैंने थोड़ा सा देखा कि वहीं जो बैरिंग प्रेस करते हुए उसके बाद मैं बोला आप फिट कीजिए मैं जाता हूँ पहले नाश्ता करता हूँ फिर चला गया मैं नाश्ता करने के लिए तो मैं नाश्ता करके आया हूँ और गाड़ी हो गई है रेडी ठीक है और अब इसका कराते हैं हिसाब और देखते हैं कितना पैसा इसकी बिल बनी है फिर उसके बता दिखाता हूँ आपको ठीक है देख रहे हैं आप बिल कितनी बनी 550 रियाल ठीक है अगर तक यार कितने का था यानी स्पेयर पार्ट सिर्फ था 250 रियाल का और इसलिए ये 550 है क्योंकि इत्तेफाक तो हुआ था मेरा 750 का क्योंकि गैस नहीं भरनी पड़ी तो वो माइनस हुआ पैसा अब बात करते हैं कि ये वर्कशॉप काम कराने लायक है या नहीं ठीक है काम करने वाले उसमें एक यूपी के जिशान करके हैं वो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं एसी का काम करते हैं एक किरला वाले भी ठीक है और भी हैं उसमें यूपी के और कई कंट्री के और भी हैं मैकेनिक वैकेनिक ठीक है पर मुदीर जो है इनके मसर के हैं मुझे जो एक चीज़ निगेटिव लगी वो ये है कि ये इनकी प्राइस ज़्यादा होती है लेबर चार्ज ठीक है मैंने उनसे कहा मुदीर से कि आप प्राइस बहुत ज़्यादा रखते हैं पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया ठीक है बोलता
वाला बंदा बहुत कम है। एक बार जो उसने कमेंट कर दी कि मुझे 400 इसका चाहिए 500 इसका चाहिए, तो उसमें वो कुछ कम करने वाला नहीं है, उनको चाहिए तो चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये चीज़ मेरे हिसाब से अगर रेट थोड़ा कम होता तो बहुत अच्छा होता, ठीक है। और रही काम की बात, तो देखिए काम बेहतरीन होता है, अब आपकी मर्ज़ी, अगर आप आना चाहिएगा तो आइएगा। पहले इत्तेफाक तो जानते हैं, यहाँ पे जब भी वर्कशॉप पे जाएंगे इत्तेफाक ज़रूरी है, पहले ही एग्रीमेंट कर लीजिए मुझे इतना देना है इतना नहीं देना है, और बाकी चीज़ें तो बता दिया हूँ मैं आपको सब, तो ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, फी अमानिल्लाह।